हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं येस बैंक के बारे में, क्योंकि दोस्तों येस बैंक ने एक बहुत बड़ा बाउंस बैक मारा है। अराउंड 50% का बाउंस बैक मारा है दोस्तों सुबह में, और उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट डिक्रीज़ हुआ और होने के बाद 45% में क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि ये हुआ क्यों, अगर हुआ तो हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो भी आज के डेट में दोस्तों निफ्टी में अराउंड 2 या 3000 का, मतलब कि सेंसेक्स में 2 या 3000 का गिरावट है, निफ्टी में भी अराउंड 8% की गिरावट है, और उसके बावजूद भी दोस्तों निफ्टी 50 गेनर्स में येस बैंक शामिल है। केवल एक ही स्टॉक है, वो है येस बैंक, और वो भी 45% की तेज़ी के साथ, और इसको छोड़ के कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो दोस्तों यहाँ पर अच्छा से अच्छा जो है परफॉर्म कर पाए। और उसके बाद यहाँ पर देख लो दोस्तों, अगर लूज़र में आप चेक करते हो तो सारे लूज़र्स बड़े हुए हैं। इंदुसेंद बैंक है, JSW स्टील है, वेदांता है, टाटा है, ICICI, सब पड़े हुए हैं, लेकिन येस बैंक में तेज़ी क्यों है? क्योंकि दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर देख लो, मैं बोलूँगा दोस्तों येस बैंक में इसलिए तेज़ी है क्योंकि दोस्तों इसका जो स्टॉक का प्राइस है, ठीक है, इसका जो स्टॉक है दोस्तों 75% लॉक कर दिया गया है। मतलब कि अगर आपके पास है जो स्टॉक, आपको तो ये न्यूज़ पता हो गया, तो बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये जो अपर सर्किट था दोस्तों, ये बस एक तरीके से अगर हम बोले तो लोगों को लुभाने के लिए था, ताकि लोग इसमें इन्वेस्ट करें दोस्तों, और उनका जो है 75% वहाँ लॉक हो जाएगा, आपके पोर्टफोलियो में भी वो शो नहीं करेगा। ठीक है, और लोग देख लेते हैं कितना ख़रीदारी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो दोस्तों ओनली 17% लोग हैं जो ख़रीदारी करने के लिए रेडी हैं दोस्तों, वो भी येस बैंक के तेज़ी को देखते हुए जो एक दो दिन के अंदर ये दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो येस बैंक के ऊपर एक नया समस्या आ रही है दोस्तों, ये समस्या सारे समस्या से बड़ा है, मतलब कि ये पहली बार ऐसा होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, चाहे येस बैंक कितना भी, येस बैंक में कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी आते हैं जो पैसे से सॉल्व नहीं हो पाते हैं दोस्तों, हर एक प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व नहीं होते। तो दोस्तों येस बैंक में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो अपना फिक्स डिपॉजिट और भी बहुत सारे जितने भी हैं दोस्तों, सब वो अपना निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल के दूसरे बैंक में वो शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो येस बैंक के अंदर अपना जो है अकाउंट भी बंद कर रहे हैं। बस यही बात के कारण येस बैंक का दोस्तों पूरा वैल्यू गिर चुका है, इसीलिए दोस्तों शेयर मार्केट में पहली बार ऐसा जो है लॉकिंग वॉकिंग करना पड़ रहा है, नहीं तो पहले बहुत मतलब ना के बराबर हुआ था। ठीक है, और वो भी ऐसा बैंक में दोस्तों जिसमें देख सकते हो प्राइवेट बैंक का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। और देख लो एक चीज़ तो मैं बोलूँगा, अगर यहाँ पर येस बैंक का आपको ख़रीदना है तो मैं बोलूँगा दोस्तों, अगर इसके शेयर होल्डर पैटर्न में अगर चेंज होता है, तो शेयर होल्डर पैटर्न में अगर प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में कुछ चेंजेस होता है तो आपको ख़रीदना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दिसंबर 2019 सितंबर में, ठीक है, यह है दिसंबर, यह है सितंबर, यहाँ पर केवल अगर आप देखोगे तो आपको 8% और 13% के आसपास प्रमोटर ने इसमें अपनी हिस्सेदारी ली है। जब कंपनी के प्रमोटर्स को ही बिलीव नहीं है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो हम क्यों निवेश करें ऐसे स्टॉक में, ये मेरा मानना है। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाए और 3 साल के बाद आप येस बैंक को देखना चाहते हो, तो वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप येस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हो ये 45% को देख कर, तो मैं बोलूँगा शायद आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये एक दिन में 45% अप जा सकता है, तो याद रखिए लास्ट टाइम 45% नहीं 50% गिरावट भी हुई थी, तो ठीक है, तो अगर एक ही दिन में अगर ऐसे स्टॉक से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक ही दिन में आपका स्टॉक जो है डबल कर दे आपका पैसे को, नहीं तो पूरा खत्म ही कर दे, तो ऐसे स्टॉक में थोड़ा सा बचना चाहिए। मैं ये बोलूँगा कि येस बैंक ख़राब नहीं है, मैं आपको ये बोलूँगा कि और भी ऐसे स्टॉक है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे स्टॉक है, ICICI बैंक है, HDFC जैसे है, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा गिर रहा है। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, यहाँ पर देख लो, यहाँ देख लो एडवांस में कि डिक्लाइन में 49, मतलब सब गिरे हुए हैं। ये जो एक है दोस्तों ये येस बैंक है। ठीक है, बाकी निफ्टी का भी हाल देख सकते हो दोस्तों, अराउंड 8% के आसपास निफ्टी गिरा हुआ है, यहाँ पर देख लो 8% के आसपास निफ्टी गिरा हुआ, ठीक है, 7.61। तो मैं बोलूँगा ये गिरते हुए मार्केट में कुछ मत खरीदिएगा प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर येस बैंक कल को और भी ऊपर चला जाता है तो मेरे हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है,
नहीं तो ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है जिससे यस बैंक को 50% अपर सर्किट जाना चाहिए था, इधर भी नहीं है दोस्तों कहीं पर भी, मतलब ऐसा न्यूज़ नहीं आया है जिसमें यस बैंक को 50% अपर जाने के लिए होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए मैं आपको बस अवेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप ख़रीद रहे हो तो एक बार डिसीजन ज़रूर ले लीजिएगा, उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेशनल वीडियो है।